गाइस मेरा नाम है दीप्तनु, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनु शिल को। दोस्तों स्वागत है आप सभी का सोशल मीडिया न्यूज के 23rd एपिसोड पे। आज के एपिसोड पे भी मैंने टॉप ट्रेंडिंग 5 सोशल मीडिया न्यूज को पिक किया है। तो सबसे पहला जो न्यूज आ रहा है वो आ रहा है फेसबुक के तरफ से। फेसबुक अभी एक नया ऑप्शन को लेकर टेस्टिंग कर रहा है, जिसका आप लोगों को हो सकता है किसी किसी को मिल गया है और किसी किसी को नहीं। दोस्तों ये जो फीचर है वो है फेसबुक पे ही आप लोग अब से इंस्टाग्राम के जो स्टोरी है उसको आप लोग एक्सेस कर पाओगे, देख पाओगे। तो ये जो ऑप्शन है ये रोल्ड आउट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ये टेस्टिंग फेज पे है। अगला जो दोस्तों न्यूज़ निकल के आ रहा है वो आ रहा है इंस्टाग्राम के तरफ से, और ये फीचर इंडियन वाले यूज़र के लिए बहुत ही बढ़िया फीचर है, क्योंकि ये फीचर है रील्स का। हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम रील्स आप लोगों को पता है 2 महीने पहले लॉन्च हो चुका था इंडिया पे। अब आप में से बहुत सारे यूज़र ने रिपोर्ट भी किया है इंस्टाग्राम को कि रील्स वाला फीचर जो है वो इंस्टाग्राम ऐप के अंदर कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा वो ढूंढना पड़ रहा है हम लोगों को ऐसे यूज़र। इसीलिए इंस्टाग्राम ने अभी इंडियन ऑडियंस के लिए एक्सक्लूसिवली रील्स टैब को, जहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च बटन नीचे आता था वहाँ पे अब रील्स बटन को एनेबल कर दिया है। तो वहाँ से आप लोग क्लिक करके रील्स का मज़ा ले सकते हो। अगला जो दोस्तों न्यूज़ निकल के आ रहा है वो है फेसबुक के तरफ से। फेसबुक ने दोस्तों अभी हैशटैग के ऊपर और ज़्यादा काम किया है और हैशटैग काउंट को भी एनेबल किया है। तो अब से आप लोग जब भी पोस्ट करोगे, कोई भी हैशटैग दोगे, तो हैशटैग के साइट पे आप लोगों को हैशटैग का कितना काउंट है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा इस हैशटैग का पॉपुलैरिटी प्लेटफॉर्म पे कितना है। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। उसके बाद दोस्तों जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है ये पूरा का पूरा अपडेट है यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। तो ये यूट्यूब क्रिएटर लोगों के लिए अपडेट है स्पेशली। तो यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो के अंदर दोस्तों अभी यूट्यूब ने डार्क मोड को एनेबल कर दिया है। तो अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपको सिंपली से यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जाना है, उसके बाद दोस्तों सेटिंग अपीयरेंस सेटिंग पे जाके अपीयरेंस पे जाओ और फिर डार्क थीम मिल जाएगा आप लोगों को। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बोल रहा हूँ एंड्रॉयड मोबाइल पे जो लोग क्रिएटर स्टूडियो को एक्सेस करते हो उन लोगों के लिए। अब दोस्तों अगला जो अपडेट है वो भी फेसबुक के तरफ से निकल के आ रहा है। फेसबुक वॉच जो है लास्ट एक मंथ पे अगर विजिटर काउंट आप लोग सोचोगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे, वो है 1.25 बिलियन। हाँ दोस्तों, हर महीने का विजिटर जो होता है फेसबुक वॉच का वो होता है 1.25 बिलियन। और मैंने आप लोगों को थोड़ी दिन पहले ये भी अपडेट दिया था कि अभी फेसबुक वॉच पे जाने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम लेवल पे हैशटैग का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। तो हैशटैग कैसे यूज़ करना होता है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, तो चैनल पे देख लेना। ये अपडेट बहुत ही खास है स्पेशली फेसबुक क्रिएटर लोगों के लिए, क्योंकि क्रिएटर लोगों को रीच व्यू ये सब चाहिए होता है। तो ये फीचर काफ़ी किफ़ायती होगा जो फेसबुक वॉच पे जाने के लिए हैशटैग का यूजेस है, क्योंकि यहाँ पे जो फेसबुक ने अपडेट दिया है 1.25 बिलियन एक्टिव यूज़र मंथली, वो कोई मतलब मजाक नहीं है। तो आशा करता हूँ आज का सोशल मीडिया न्यूज़ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि ऐसे वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।